एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि यूक्रेन पर रूस बरसा रहा है क्लस्टर बम, वैक्यूम बम से भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सोखने वाला बम है ये वैक्यूम बम, दम घोटू बम से यूक्रेनी जनता को निशाना बना रही है रूसी सेना। जिस वक्त की बड़ी खबर, विनाश की ओर लगातार बढ़ता हुआ, यूक्रेन पर रूस क्लस्टर बम बरसा रहा है और वैक्यूम बम से भी हमले लगातार रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। और अगर हम वैक्यूम बम की बात करें तो वैक्यूम बम देखिए ऑक्सीजन सोखने वाला बम होता है। रूसी बॉम्बर शहरों में बम बरसा रहे हैं, रॉकेट का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है और अब परमाणु बमों को भी युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया गया है। अब पुतिन का इशारा होगा और पूरे यूरोप में महाविनाश होगा। पुतिन की बौखलाहट की वजह को समझिए। पहली वजह, यूक्रेन में तय योजना धराशायी। दूसरी वजह, पश्चिमी मुल्कों का आर्थिक अटैक। तीसरी वजह, नाटो की यूक्रेन को सैन्य मदद। चौथी वजह, दुनिया में अलग थलग पड़ा रूस। पांचवी वजह, पुतिन को दूसरा हिटलर कहा जा रहा। छठी वजह, यूक्रेन में कबाड़ बने रूसी सैन्य उपकरण। सातवीं वजह, हमले के बावजूद नहीं झुक रहा यूक्रेन। आठवीं वजह, जंग को ज्यादा दिनों तक खींचना मुश्किल। नौवीं वजह, दुनिया की नजर में युद्ध अपराधी बन रहे पुतिन। दसवीं वजह, अपने ही मुल्क में पुतिन के फैसले का विरोध। रूस अपनी पूरी ताकत लगा रहा लेकिन यूक्रेन के जवाबी हमलों की वजह से युद्ध के पांचवें दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव में पूरी तरह से दाखिल नहीं हो सका, ना ही खार्किव पर कब्जा कर पा रहा है। यूक्रेन के इन दो सबसे बड़े शहरों को टारगेट करके पुतिन ने योजना बनाई थी लेकिन यहां पर आम लोग सड़कों पर उतर कर रूसी सेना से लोहा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।